फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के ऋषभ अकादमी की प्रारंभिक जांच में यह बात साबित हो रही है कि स्कूल के शिक्षिकाओं को लॉकडाउन लगने से पहले से ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया। कई टीचर्स का कहना है कि उन्होंने बड़ी मशक्कत कर पेरेंट्स से फीस निकलवाई है। अगर बच्चों की फीस पूरी आ चुकी है तो फिर उन्हें वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। अकादमी का 125 करोड़ रुपया मैनेजमेंट की आपसी लड़ाई के चलते बैंक में जरूर बंधक है, लेकिन अकादमी पर कब्जे को लेकर चल रही जंग से टीचर्स के घर का चूल्हा तो नहीं जलता। वह भी तब जबकि तमाम महिला टीचर्स के पति लॉकडाउन की मंदी के कारण घर पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। मकान की किस्त, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और घर का खर्चा सब सिर पर खड़े हैं। जहां तक बच्चों की फीस का मामला है तो अधिकांश बच्चे या तो इसका भुगतान कर चुके हैं अथवा उन पर एग्जाम में न बैठने देने की तलवार स्कूल प्रबंधक द्वारा लटकाई जा चुकी है। ऋषभ अकादमी सचिव रंजीत जैन व उसके बेटे अभिनव जैन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपी लगे हैं। प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि रंजीत जैन का व्यवहार महिला टीचर्स के प्रति बेहद आपत्तिजनक रहा है। यह बात साबित हो रही है कि अकादमी में बच्चों पर अनुशासन भी नहीं है और वह टॉयलेट का इस्तेमाल नशीले इंजेक्शन आदि के लिए करते हैं और इस पर रोकथाम के लिए ही वहाँ CCTV लगाए गए थे। यहाँ बात सिर्फ जेंट्स टॉयलेट की हो रही है। वेस्टर्न रोड स्थित ऋषभ अकादमी का संचालन 64 जैन सदस्यों द्वारा संचालित ट्रस्ट के मनोनीत पदाधिकारी करते हैं। इसमें अध्यक्ष, सचिव, कैशियर व ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। तीन पदाधिकारियों के आपसी विवाद के कारण करीब 125 करोड़ रुपया 3 सालों से बैंक में बंधक है। अदालत में मामला विचाराधीन है। पिछले करीब 6 माह से वेतन को लेकर अकादमी में बराबर विवाद चल रहा है। यह बात लॉकडाउन से पहले की है। लॉकडाउन में फीस न आने की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हालात इससे पहले भी बेहतर नहीं कहे जा सकते। जब तक विवाद वेतन बोनस 3 साल से इंक्रीमेंट न देने तक सीमित था तो बात और थी, लेकिन जैसे ही इस मामले में यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे तो यह मामला सुर्खियों में आ गया। यौन शोषण के आरोपी की सच्चाई क्या है, इस पहलू की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अनेक महिला टीचर्स ऐसी भी आई हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखा है। वह साफ कहते हुए सुनी जा रही हैं कि मामला केवल वेतन बोनस व इंक्रीमेंट तक ही था, लेकिन बात बहुत आगे निकल गई है। इस दौरान कई ऐसे ऑडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें सचिव रंजीत जैन के बेटे अभिनव जैन को कुछ टीचर से बात करते सुनाया गया है। बहस के दौरान अभिनव यहां तक कह रहा है कि जब तक सारे बच्चों की पूरी फीस नहीं आ जाती तब तक पूरा वेतन नहीं मिलेगा। थापर नगर की एक शिक्षिका के बारे में अभिनव यह भी जता और बता रहा है कि निर्धारित योग्यता न होने के बावजूद उन लोगों ने उसे नौकरी दी है। यह भी आरोप है कि श्रेयांश ने स्कूल की CBSE से मान्यता खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी टीचर्स उसकी राजनीति का शिकार होकर रंजीत जैन का विरोध कर रहे हैं। बातचीत में यह भी एक शिक्षिका बोल रही है कि सरकार ने केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही है, लेकिन वे लोग मेंटेनेंस आदि अन्य भी बच्चों से जबरन वसूल रहे हैं। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ ऑडियो। हेलो, नमस्ते भैया। अभी असल में अभी वो मीटिंग तो हो गई कैंसिल, पोस्टपोन्ड हो गई ना वो मीटिंग तो टीचर्स का। हाँ, तो अब हमने 11 बजे बहुत सारे टीचर्स को और बाकी स्कूल के स्टाफ को जो पापा जी के फेवर में एफिडेविट दे रहे हैं उन्हें बुलाया घर पे। हाँ, 11 बजे तो अभी आप भी लवीश भाई के साथ आ जाओ, और क्योंकि फिर जो वो सदर थाना है, सदर थाने के पीछे ही ASP साहब का ऑफिस है, तो वो सारा का सारा स्टाफ वहाँ पे जा रहा है उनके सामने अपना स्टेटमेंट देने के लिए। तो और यहाँ से यहाँ पे पूजा चौहान भी जाती है, मैं उनके साथ आ जाऊंगी। नहीं तो मैं कह रहा हूँ अगर आपकी किसी टीचर से बात हुई हो जो कल आपके कहने पे एग्रीड हुई हो, आप 11 बजे उन्हें लेके आ जाओ। ऐसा है जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है वो तो सब हो चुका। आपकी जो सैलरी का मुद्दा है, अगर आपको वो मई तक की नहीं मिली जैसे और स्टाफ को मिल चुकी है, आपको मई तक की सैलरी मैं दिलाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। नहीं, मई तक मेरी बात तो सुनो, मुझे जो मिली है मैं पेरेंट्स को सब रिटर्न कर रही हूँ। जब आप हमें हाथ दोगे, हम पेरेंट्स से भीख मांग मांग के पूरी तो इकट्ठी की मैंने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ रिटर्न कर दूंगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह से
बाकी स्टाफ को सैलरी मिली है, अगर बाकी स्टाफ को भी अप्रैल मई की आधी मिली है तो आपको भी अप्रैल मई की आधी मिलेगी। भैया क्यों मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सब स्टाफ को आधी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बच्चों से ओनली फीस फीस लेनी है, मंथली फीस पूरे एनुअल चार्ज लेने करेंगी। आप स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बच्चों से क्या लेना है क्या नहीं है ये चीज आप डिस्कस करेंगी या स्कूल को आप बताएंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना? इस चीज के लिए आपने शिकायत कर दी, आपके साथ के टीचरों ने शिकायत कर दी, अगर कोई शिकायत करनी है तो अरे मैं आपसे कह रहा हूँ मैम, आप अपनी सैलरी से मोटिव रखिए कि आपका मोटिव रख रहे हैं। तो आपसे बताता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हाफ सैलरी या कोई भी सैलरी एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि वो अपने एम्प्लॉय को क्या देगा। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं सर, मान रहे हैं बिल्कुल क्यों नहीं मान रहे सारे पूरे उत्तर प्रदेश के मैगजीन के और 1600 रूपए मेंटेनेंस चार्ज किस बात के ले रहे हैं आप? नहीं ऐसा है, वो चीज आप जाके DIUS के यहाँ पे शिकायत कीजिए, आप उसके जाके कमिश्नर के लिए शिकायत कीजिए। हम क्यों करें भैया, आपने करी है तो आगे भी कीजिए। मुझे आपने की है तो शिकायत आगे भी कीजिए। ये जानकारी मिली कि कल कुछ हंगामा टीचर्स ने किया, कुछ समाज के लोग भी स्कूल में आए थे, जो भी हुआ है उसके बारे में मुझे अभी मैं जानकारी ले ही रही हूँ क्योंकि आज ही आई हूँ मैं भी। आप और स्कूल की प्रिंसिपल हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, 50-52 टीचर्स इतना संगीन आरोप लगाए यौन शोषण का, छेड़छाड़ का, तो आपने अभी तक मेरे सामने आज तक कोई किसी टीचर ने एक भी कंप्लेन यौन शोषण को लेकर के नहीं की है। वो कभी उन्होंने मेरे सामने ये इशू नहीं आया कि यौन शोषण किसी का किया गया है। टॉयलेट्स में कैमरा लगाने की बात आ रही है, टॉयलेट्स में गर्ल्स टॉयलेट में ये मेरे संज्ञान में है कि कोई टॉयलेट नहीं, कोई भी कैमरा उन टॉयलेट्स में नहीं है। हाँ बॉयज टॉयलेट में है और उसका फोकस अप है, मींस बच्चा यदि बॉय भी टॉयलेट करता है तो वो दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ उसका हेड दिखेगा आप चाहें, और उसके विजुअल्स सिर्फ उधर वाले ऑफिस में है, उसको मैं चाहूँ देख सकती हूँ। वो भी बॉयज की कुछ हरकतें पिछले दिनों में कुछ स्कूल्स में रही हैं, इंजेक्शन्स बच्चे लगा लेते हैं या कोई ऐसी नशे की चीज़ यूज़ करते थे इसलिए वो लगाना पड़ा था, सिर्फ बॉयज टॉयलेट में वो है। सैलरी के लिए हमें मेन प्रॉब्लम सैलरी की है कि सैलरी हमें टाइम पे नहीं मिलती, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है लेकिन उससे पहले भी यही प्रॉब्लम थी कि सैलरी पहले तो स्टार्टिंग में हमें सही मिल जाती थी लेकिन धीरे धीरे हमारी सैलरी को लेके ही हमारे विवाद है। मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी बात सामने आ रही है, किस तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट है? एक्चुअली वो सेक्सुअल जो जिन टीचर्स के साथ हुआ है या जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है लेकिन मेरे सामने ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ सैलरी को लेकर हमारी सबका वाद-विवाद यही है कि सैलरी टाइम पे नहीं देते और ये था कि आपको बिल्कुल 6-7 महीने से मिली नहीं रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बात करनी है या कोई टीचर ऐसी है जिसको सैलरी चाहिए लेकिन उनके साथ सुनने में आया कि सर ढंग से नहीं बोलते, वे ऑफ टॉकिंग सर की अच्छी नहीं। लॉकडाउन से पहले से ही नहीं मिल रही? नहीं लॉकडाउन से पहले से ही नहीं मिल रही। उधर इस मामले की जांच कर रहे ASP इराज राजन ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये थाना सदर बाजार के अंतर्गत जो ऋषभ एकेडमी है उसमें मैनेजमेंट और टीचर्स के मध्य विवाद था, टीचर्स ने काफ़ी गंभीर एलिगेशंस लगाए थे कि स्कूल प्रशासन के लोग जो अभिनव जैन और उनके पिताजी रंजीत जैन इन्होंने टॉयलेट्स में कैमरे वगैरह लगा रखे हैं और इनको ब्लैकमेलिंग करते हैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह इनके दिखा के। इसके अलावा महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, ये सब चीज़ें महिलाओं ने बताई थी। उसी के आधार पर थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया था, फिर उसके बाद कल फिर संज्ञान में आया था, महिलाओं ने फिर से आके कंप्लेंट की थी और उन्होंने फिर से बोला था कि धमकी दी जा रही है इनके द्वारा कि आप मुकदमा वापस लें। इसमें कार्रवाई ये की गई है कि अभी अभिनव जैन को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और जो स्कूल के जो DVR थे उन सबको सीज़ किया जा रहा है, उनको सीज़ करने के बाद हम FSL भेजेंगे, उसमें जाँच करवाई जाएगी क्या जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए थे कि रिकॉर्डिंग की जाती है कैमरा से, तो वो सब उसमें हम चेक करवाएंगे क्या उसमें किसी तरह की रिकॉर्डिंग है, और भी जो जिस तरह की उन्होंने बातें कही हैं कि महिलाओं से बदतमीजी से बात करते हैं या फिर इस तरह से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सभी बिंदुओं पर जाँच की जाएगी और अभी फिलहाल अभिनव जैन को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि लॉकडाउन अवधि में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों की दोनों ही पक्ष अपने पक्ष में व्याख्या कर रहे हैं। बच्चों पर एक मुफ्त फीस
तमाम अन्य खर्चों समेत देने का भारी दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं शिक्षिकाओं को भी नौकरी जाने का भय दिखाकर उन्हें वेतन का पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा। शासन व प्रशासन विभाग के रहस्य में चुप्पी इस उथल पुथल या ये कहें कि अराजकता को और हवा दे रही है। हालांकि यह है कि आज भी बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं जहां टीचर्स को वेतन के नाम पर दिया कुछ जा रहा है और हस्ताक्षर ज्यादा धनराशि पर लिए जा रहे हैं। लोकसभा में भी यह मामला हाल ही में उठा है, आइए देखते हैं। अध्यक्ष जी, लगभग आधे साल से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बंद हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों के कारोबार तबाही पर आ गए हैं। गरीब आदमी को दो वक्त की रोटी कमाना भारी पड़ रहा है। इन स्कूलों के अंदर ट्यूशन फीस, इन स्कूलों में मेंटेनेंस फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और हॉस्टल फीस ली जा रही है, जो गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। बहुत से गरीबों ने अपने बच्चों को घर बिठा लिया है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस ने इस आपदा के अंदर अवसर तलाश कर लिए और उन्होंने लगभग 10% स्टाफ को हटा दिया और अपने स्टाफ की सैलरी में 30-50% कमी कर दी, लेकिन वो पूरी फीस वसूल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम लोगों को जो जिन्होंने अपने स्टाफ की सैलरी कम कर दी है, उनको कोई हक नहीं कि पूरी फीस वसूलें। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार उन तमाम बच्चों की फीस प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जमा कराए जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये देश के भविष्य का सवाल है और इसमें हम और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग सब यही चाहते हैं। अखिलेश जी चाहते हैं कि 50% कम से कम फीस हमारे देश के बच्चों को हमारे प्रधानमंत्री केयर फंड से या किसी और फंड से उनको दे दी जाए और उनके अभिभावकों को भी इससे रिलीफ मिलेगा और स्टाफ की सैलरी भी अगर ज़रूरत पड़े ईमानदार संस्थाओं को देने का कष्ट करें ताकि स्टाफ की सैलरी भी उनको मिल सके। इस खबर में आज इतना ही। घर पर रहें, सेफ रहें, अपना ख्याल रखें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।